सो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ शायरी वीडियो शूट करने का सही तरीका क्या है। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि भाई शायरी वीडियो कैसे बनाए, इस टाइप का शायरी वीडियो कैसे बनाए। एंड देखो, अगर आपके पास एक मिनर है यानी कि आईना है तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी को फोन दे सकते हो कि ले भाई मेरा वीडियो बना दे। अब मेरे पास मिनर है तो मैं उससे वीडियो शूट कर लूंगा। एंड आपको कहां से वीडियो को शूट करना है, कौन सा ऐप से शूट करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे एडिट होगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे वीडियो को सेव करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सभी लोग बताने वाला हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप सभी लोगों को सारी वीडियो शूट करने का सही तरीका क्या है। देखो, सारी वीडियो शूट करने का ना दो तरीका होता है, ठीक है। एक जो होता है, एक आपके पास अगर माइक, जैसे कि मेरे पास एक बोया बाय M1 माइक है, तो आप इससे भी सारी वीडियो शूट कर सकते हो। बट इसके लिए ना बहुत लवझान है, आपको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको वॉइस को एडिट करना पड़ेगा, फिर आपको एक ऑडियो लेना पड़ेगा, मतलब बहुत लवझान है उसके लिए ना, आपको मतलब 2-3 घंटा लग जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और अगर आप फटाफट सारी वीडियो शूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको स्मार्टफोन उठाना होगा, एक मिनर चाहिए, आईना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास आईना है तो अच्छा बात है, क्योंकि मेरे पास आईना है। एंड मैं लाइव प्रूफ आपके सामने भी सारी वीडियो शूट करूंगा, एंड शूट करके उसके सामने एडिट करूंगा, सब कुछ A to Z बताने वाला हूं, कंप्लीट क्या क्या बकरो मेरे को नहीं पता। तो हम लोग जहाँ पर इसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग सीधा इंस्टाग्राम से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ऐप से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम ऐप का अंदर ही से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सो देखो, अभी हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, आई होप कि आपको वॉइस सही सुनाई देता होगा। एंड अगर चाहो तो आप फोन को हाथ में भी लेकर मिरर के सामने वीडियो शूट कर सकते हो, बट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है साथ में, तो मुझे वीडियो भी शूट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ट्राइपॉड पर लगाया हूं, ठीक है। अब देखो, आपको यहां पर इसे वीडियो शूट करना है, यानी कि सारी वीडियो आपको यहां पर इसे निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर इसे आपको रील्स वाला सेक्शन पर जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आप यहां पर इसे इसका जो टाइम है इसको 30 सेकंड ले लेना, 30 से या 60 सेकंड ले लेना। एंड यहां से आपको फिल्टर ले लेना, जो भी आपको फिल्टर अच्छा लगे, तो मैं यहां से ये वाला फिल्टर ले लेता हूं, ये फिल्टर थोड़ा सही लग रहा है, सही है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बाकी आपको क्या करना है, लाइट सामने में रखना है, यानी कि अगर आपके पास रिंग लाइट होगा तो रिंग लाइट रख लेना, कोई भी लाइट होगा तो लाइट रख लेना, बट सामने में रखना, एक साइड में रखना, राइट या लेफ्ट में रखना, एकदम सामने में मत रखना, राइट या लेफ्ट में रखना। सो अब आपको सारी वीडियो निकालना है, तो मैं यहाँ पर इसे सारी वीडियो निकालता हूँ, मेरे को अभी तो कोई सारी याद नहीं है फिलहाल, जो मेरे माइंड में आ रहा मैं बग दे रहा हूँ, तो इसको माइंड मत लेना, ठीक है। कभी कभी उनसे भी दूर जाना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। सो वीडियो हो गया शूट, प्रीव्यू पर आपको जानना है, ठीक है। कभी कभी हमें, देखो हंसना तो मत, पहला बात तो ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को याद नहीं था, मैं सिर्फ शूट करके एडिट करूंगा, अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ये था एक सही तरीका वीडियो शूट करने का, आपको इस तरीका से वीडियो को शूट कर लेना है, सारी वीडियो को शूट कर लेना है, ठीक है, आपका वॉइस भी आ जाएगा। और आप चाहो तो मतलब फोन को मतलब अपने सामने में भी लगा सकते हो, यानी कि आपको जो वॉइस है एकदम उसका सामने में जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दूर था तो आपको थोड़ा सा वॉइस अलग सा सुनाई देता होगा। बट आपको क्या करना है, फोन को जब भी आप सारी वीडियो शूट करो तो फोन को सामने में रखना है ऐसे, और आपका जो आवाज है फोन में एकदम अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सारी वीडियो को सेव कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, तो ये आपका सेव हो जाएगा गैलरी में। So, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क। तो अब देखो, विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट यूट्यूब का गाइडलाइन के खिलाफ है, बट यूट्यूब इसको थोड़ा सा अलग माइंड में लेना, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली क्रोम ब्राउजर पर जाना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर को डाउनलोड कैसे करें लेटेस्ट वर्जन, आपको वहाँ पर ही बता दिया जाएगा, आप वहाँ पर इसे काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो विदाउट वाटरमार्क। सो मैं यहाँ पर इसे काइन मास्टर को डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोगों ने काइन मास्टर में वीडियो को डाल दिया है, ठीक है, अब हम लोग इसको करने वाले एडिट। तो आप ये देखते होगे मेरा वीडियो जिसको मैंने इंस्टाग्राम से अभी डाउनलोड किया था शायरी बनाकर, तो अब हम लोग यहाँ पर ही जाते हैं, एंड इसका एंड पार्ट पर जब जाएंगे हम लोग, जब ये वीडियो यहाँ से खत्म होगा तो आपको यहाँ से कट पर जाना है, एंड यहाँ से इसका क्लिप कट निकाल लेना है, ठीक है, फिर आपको लास्ट वाला कट पर जाना है, इसका साउंड को ऑफ कर देना है, एंड स्पीड पर जाना है, और इसका यहाँ से मतलब स्लो मोशन लास्ट में कर देना है, स्लो एकदम कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले क्लिप को उठाना है, ठीक है, और अब आपको इसको यहाँ पर इसे एडिट करना है, तो आपको यहाँ पर ऑडियो पर जाना होगा, यहाँ से म्यूजिक लगाना, इतना तो तुम समझदार हो गई, अगर नहीं हो तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। म्यूजिक आप कहाँ से डाउनलोड करना है, यूट्यूब पर सर्च करना, वहाँ पर सर्च करना सायरी म्यूजिक, आपको वहाँ पर ढेर सारा म्यूजिक मिल जाएगा, एंड उसको डाउनलोड कर लेना। वो डाउनलोड कैसे करना वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। सो देखो, मैंने यहाँ पर इसे म्यूजिक ले लिया है, ठीक है, एक म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, मैं सुनाऊँ या ना सुनाऊँ कॉपीराइट कहीं ना मिल जाए मेरे को, बट देखते हैं, कोई नहीं। एंड आपको यहाँ से जाना है, इसका यहाँ पर कट लेना है म्यूजिक को, और यहाँ पर इसे क्लिप लेके
होगा, इसको यहाँ से कट कर देना है। तो ये हो गया। अब आपको इस म्यूज़िक पर जाना है सेक्शन पर एंड यहाँ ऑडियो वाले सेक्शन पर जाना है और इसका जो 100% ना इसको यहाँ से लाकर आपको 20 से 15% के आसपास रखना। अपने हिसाब देख लेना आपको कैसा लग रहा है साउंड। तो मैं यहाँ से 15% रख ले रहा हूँ इसका ऑडियो को एंड आपको यहाँ पर इसको टिक कर देना है एंड एक दफ़ा हम लोग फिर से सुनते फिर हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन पर लगाएंगे। कभी कभी उनसे भी दूर जाना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। सब देखो यहाँ पर सारी वीडियो जो हमारा है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं आपको एक दफ़ा प्ले करके सुनाता हूँ। तो लास्ट सीन में भी आपको लगा लेना है लास्ट वाला म्यूज़िक। तो एक पता चला ऐसे सॉन्ग है, मैं उसको ले लिया हूँ एंड इसका आवाज़ को आपको फुल रखना है एंड यहाँ पर इसे आपको मिक्स कर लेना है एंड एक दफ़ा हम लोग प्ले करते हैं। इतना तो तुम समझदार होगी भाई, मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, मेरे को पता है। कभी कभी उनसे भी दूर जाना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये जो हमारा सारे वीडियो कंप्लीट हो चुका है मैं आपको अभी एक दफ़ा सुनाऊंगा, ठीक है। बट इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है। तो आपको ऊपर वाला सेक्शन पर जाना है एंड यहाँ पर इसे आपको हाई ले लेना है, हाई में लेके एक्सपोर्ट इसको मार देना। तो ये जो आपका गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एक दफ़ा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। कभी कभी उनसे भी दूर जाना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं।